Hello everyone! Welcome in my online classes by Loin Hartkin Learner. Today we will start NCRT Science Class Eight Chapter Number Seventeen Second Part. Before starting, please like and subscribe my video. So let's start now. Seventeen point four the Solar System. The Sun and the celestial bodies which revolve around it form द सोलर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लान कॉमेट्स एस्ट्रॉयरॉय्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप दम रिवॉल्विंग अराउंड इट मीनस जो इनके बीच में आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है इनको आपस में बांधे रखता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हुए प्लानट्स इसको महसूस करते हैं द अर्थ एज यू नो आल्सो revolve अराउंड द सन इट इज़ ए member ऑफ द सोलर सिस्टम इट इज़ a planet there आर सेवन अदर planets दैट revolve अराउंड द सन हमारी पृथ्वी भी इस सोलर सिस्टम का भाग है क्योंकि सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है द एट planet इन द इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटरन यूरेनस एंड नेपच्यून फिगर सेवनटीन पॉइंट सेवनटीन शोज ए स्केमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम दिस इज द फिगर सेवनटीन पॉइंट सेवनटीन द सोलर सिस्टम दिस इज द सोलर सिस्टम डायग्राम मीन्स इसमें हर प्लैनेट की एक प्लेस दी गई है जैसे सन सन के जस्ट आफ्टर मर्क्री वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटरन यूरेनस नैपचून दीज आर द एट प्लैनेट्स विद सन इन द सोलर सिस्टम सो आई हैव रेड दैट देयर आर नाइन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले नो प्लेनेट सोलर सिस्टम में थे लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आई ए यू ने एक डेफिनेशन बनाई थी प्लेनेट्स के बारे में जिनमें प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया गया मीन्स फिट नहीं बैठता प्लूटो उन उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इसको सोलर सिस्टम में एज ए ड्राफ्ट प्लानिट के तौर पे रखा गया है now the sun the sun is the nearest star from us it is continuously emitting huge amount of heat and light the sun is the source of almost all energy on the earth in fact the sun is the main source of heat and light for all the planets the sun is an extremely hot object the temperature at the surface of the sun is about 6000 degrees celsius the sun is not a solid object it is a sphere of hot gases the sun consists mostly of hydrogen gas the nuclear fusion reaction takes place in the center of the sun so the planets the planets looks like star but they do not हैव लाइट ऑफ देयर ओवन मीन्स प्लानिट एक स्टार की तरह दिखाई देते हैं बट वो स्टार्स नहीं होते वो अपना प्रकाश भी नहीं रखते वो सन लाइट के द्वारा चमकते हैं दे एम मेयरली रिफ्लेक्ट द सन लाइट दैट फॉल्स ऑन देम कैन यू डिस्टिंगश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार क्या आप इनमें भेद कर सकते हैं अंतर बता सकते हैं यस yes. द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्लानट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकलिंग वेयर एज प्लैनट्स डू नॉट मीन्स स्टार तो ट्विंकलिंग करेंगे लेकिन प्लैनट्स ट्विंकलिंग नहीं करते आल्सो द प्लानिट कीप चेंजिंग देअर पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स और स्टार्स के अकॉर्डिंग प्लैनिट्स जितने भी हैं वो अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं नाउ ए प्लैनेट है जे डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवोल्व्स अराउंड द सन प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है मीन्स वे है जिसमें वो घूमता रहता है इसका एक अक्स है जिसके अंतर्गत ये घूमता रहता है दिस पाथ इज कार्ड ऑर्बिट इस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है इसकी कक्षा बोला जाता है द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कार्ल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, उसको बोला जाता है इसकी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इनक्रीजिज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लानिट इनक्रीज फ्रॉम द सन मीन्स जिस प्रकार से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी दूरी बढ़ती चली जाएगी सन से प्लेनेट की उस प्रकार से इसका जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा आई वंडर वाई द प्लैनिट डो नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन मैं आश्चर्य चलती हूँ कि कोई भी प्लानिट आपस में नहीं टकराता जब ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो इसके बारे में एक्टिविटी सेवेंटीन पॉइंट नाइन गो आउट इन टू द प्ले ग्राउंड विद फोर और फाइव ऑफ योर फ्रेंड ड्रा फोर सर्किल्स ऑफ रेडियाई वन मीटर वन पॉइंट एट मीटर टू पॉइंट फाइव मीटर एंड थ्री पॉइंट एट मीटर ऑल हैविंग ए कॉमन सेंटर आस्क वन ऑफ यूअर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रजेंट द सन यू यूअर एंड अदर फोर फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मर्क्रू विनस अर्थ एंड मार्स आस्क यूर फ्रेंड टू मूव अराउंड द स सन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन देअर ओवन ऑर्बिट डू दे कोलाइड विद वन एन अदर क्या वो आपस में टकराते हैं नहीं टकरा सकते बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्योंकि ये सब अपने अपनी लाइन के ऊपर चलेंगे तो कैसे टकरा सकते हैं नॉट पॉसिबल जैसा कि फिगर सेवनटीन पॉइंट एटीन में दिखाया गया है नेक्स्ट बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लेनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओवन एक्सिस लाइक ए लाइक ए टॉप द टाइम टेकन बाय ए प्लेनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब कि लाइक like ए टॉप तो हमारे प्लेनेट्स भी क्या करते हैं एक ही प्लेस पे रोटेट करते हैं जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है अर्थ के डे और नाइट सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ से बनते हैं सम प्लेनेट्स आर नॉन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम एंड एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सेटेलाइट्स मीनस कोई भी प्लांट जैसी बॉडी के दूसरी अराउंड uh, अगर कोई घूमता है दूसरी बड़ी बॉडी हैवनली बॉडी दैट वन इज द सेटेलाइट्स द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन थ्रो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ द सन इसको प्लैनेट ऑफ द सन बोला गया है वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स मीन्स ऐसी बॉडी जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है दैट वन इज द सैटेलाइट मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मून अर्थ का सैटेलाइट है देयर आर मैनी मैन मेड सेटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सेटेलाइट और बहुत से मैन मेड सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं मून के साथ साथ तो वो सभी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मून अकेला एक ऐसा सैटेलाइट है अर्थ का जो कि नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एनशियंट इन इंडिया इज इन वेदा, विच वाज कंपोज अबाउट फोर थाउजेंड ईयर एगो चार हजार साल पहले बनाया गया था रिग्वेद मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी one of the most well known astronomer is aryabhata the work of aryabhata on astronomy can be found in his writing aryabhata he wrote it in 499 ce at the age of 23 years the diameter of the earth as stated by aryabhata is close to its presently नॉन वैल्यू मीन्स जो आज के टाइम में हमें पता है कि ये इसकी डायमीटर है अर्थ की उसके बिल्कुल क्लोज डाटा दिया था आर्य भट्टा जी ने नाउ डिस रिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू द दैट अर्थ इज अचला इमूवेबल इमूवेबल आर्यभ्ट स्टेटेड दैट अर्थ इज स्पीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओवन एक्सिस ही एस्टिमेट अबाउट द साइड्रल पीरियड ऑफ द अर्थ वॉज ट्वेंटी थ्री हावर्स फिफ्टी सिक्स मिनट्स एंड फोर पॉइंट वन सेकेंड मीन्स इतना एग्जैक्ट बताया था आर्य भट्टा जी ने अबाउट द डे विच इज द वेरी क्लोज टू द प्रेजेंटली नॉन वेल्यू ही आल्सो कुरेक्टली स्टेटड दैट the moon and the planet sign due to reflect reflected sunlight he also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse when the shadow of the earth falls on the moon it causes lunar eclipse when the shadow of the moon falls on the earth it causes solar eclipse Aryabhata also found द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज़ टू द नॉन वैल्यू टुडे मीन्स आर्य भट्टा जी ने बहुत सारी ऐसी बातें ऐसे नियम बताए थे अबाउट द सोलर सिस्टम जो आज के टाइम में भी एज इट इज चल रहे हैं वेरी क्लोज़ टू द टुडे प्रेजेंट वैल्यूज़ सो नेक्स्ट मर्कुरी मर्करी के बारे में हम पढ़ेंगे मर्करी इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन और वी कैन से द प्लैनेट मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मर्करी सन के पास सबसे पहला प्लैनेट है जो कि बहुत छोटा है सोलर सिस्टम में मर्करी को बुद्धा भी कहा जाता है बुध ग्रह भी बोलते हैं इसको हिंदी में बिकॉज मर्करी इज वेरी क्लोज टू द सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व बहुत छोटा है इसलिए दिखाई भी बहुत कम देता है क्योंकि सन ग्लेयर्स के अंदर ये छुप जाता है अपने आप को छुपा लेता है एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन सन की ग्लेयर में छुप जाता है मीन्स सन की चमक में छुप जाता है हावर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्री और बिल्डिंग्स डू नॉट अब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन मर्करी हैज नो सेटेलाइट ऑफ इट्स ओवन मीन्स मर्करी एक्चुअल में इसका जो डायामीटर है वो है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन फिफ्टी एट इंटू टेन रे द पावर सिक्स किलोमीटर टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन यानी कि अगर हम कहें कि भी कितने दिन में ये सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है अट्ठासी दिन में एटी एट डेज सो दीज आर द बेसिक नॉलेज अबाउट द मर्क्यूरी नेक्स्ट वीनस जिसे हम हिंदी में शुक्रा शुक्र ग्रह भी बोलते हैं वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई विनस क्या है हमारे पृथ्वी के पास लगने वाला जबरदस्त और खास पड़ोसी है हमारा इट इज ब्राइटेस्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट है नाइट स्काई में हमें चमकता है सम टाइम विनस अपीयर्स इन द एस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज सम टाइम इट अपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट देअर फॉर It is an often called a morning or an evening star. Although it is not a star, try to locate Venus in the night sky. Venus has no moon or satellites of its own. Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. It rotates from east to west, while the Earth rotates from west to east. Means? इसको हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और ये आ, कभी हमें ईस्टर्न स्काई में दिखता है कभी ये वेस्टर्न स्काई में दिखता है मींस ये मूव करता है तो होता होगा ऐसा बिल्कुल सौ परसेंट तो इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका जो डाया है विनस का जो डाया है वो है ट्वेल्व थाउजेंड हंड्रेड किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन वन हंड्रेड एट एट इंटू टेन रे द पावर सिक्स किलोमीटर और टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन एक चक्कर को ये पूरा कर लेता है सन के चारों तरफ घूमकर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डेज दो सौ पच्चीस दिनों में ओके नाउ नेक्स्ट इफ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व विनस थ्रू ए टेलीस्कोप यू सी या यू विल ऑब्जर्व दैट विनस शोज फेजिज जस्ट लाइक ए मून मून की तरह अपनी फेजिज भी देता है नेक्स्ट प्लानट इज अर्थ पृथ्वी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ दीज इंक्लूड्स जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्राम द सन सो दैट इट इज इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन मीन्स अर्थ एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर प्लानट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है मीन्स जहाँ पर जीवन है और जीवन इसके इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण है मीन्स जैसे पृथ्वी की सूर्य से सही दूरी जिसके अनुसार वहाँ पर टेम्परेचर सही रहता है और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं एक पृथ्वी ही है जिसके ऊपर मतलब जिसके चारों तरफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स बनी हुई हैं जैसे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट वन इज द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती हैं नाउ सम बेसिक नॉलेज फ्रॉम माई साइड अर्थ अर्थ हैज़ ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर इज़ ए डाया ये इसका डायामीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी इंटू टेन इज द पावर सिक्स किलोमीटर एंड टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन सन के चारों तरफ एक चक्कर को ये पूरा कर लेती है 365, 365 एंड वन बाई फोर डेज में ये एक चक्कर को पूरा कर लेती है फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपियर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस ये चीजें दिखाई देती हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट द टिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चानस ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ द अर्थ हैज ओनली वन मून अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है इफ आई एम थर्टीन ईयर ओल्ड हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन कितनी बार मैंने सन के चारों तरफ चक्कर लगा लिया थर्टीन ईयर मीन्स तेरह बार चक्कर लगा चुकी है सन के चारों तरफ नाउ नेक्स्ट वन इज मार्स जिसे हम हिंदी में मंगल ग्रह भी बोलते हैं द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स इट अपियर्स स्लाइटली रेडिस एंड देयर फॉर इट इज ऑल्सो कार्ड द रेड प्लेनेट मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सेटेलाइट मीन्स मार्स के बारे में कुछ बेसिक्स मार्स हैज डायामीटर सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज टू हंड्रेड ट्वेंटी एट इंटू टेन इज द पावर सिक्स किलोमीटर एंड टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन सन के चारों तरफ ये सिक्स हंड्रेड एट्टी सेवन डेज में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है नाउ नेक्स्ट जुपीटर जिसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं बृहस्पति इज्स इंडियन नेम जूपिटर इज ए लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम इट एज इट इज सो लार्ज दैट अबाउट थर्टीन हंड्रेड अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इन साइड द जाइंट प्लानेट मीन्स ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसमें तेरह सौ पृथ्वियाँ आ सकती हैं और फिर ये बनेगा हा द मास ऑफ़ जुपिटर इज अबाउट थ्री हंड्रेड एट्टी टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ अर्थ से तीन सौ गुना बड़ा और तीन सौ गुना इसका मास है अर्थ का मास लगभग रहता है अगर हम इसको माने मास ऑफ प्लेनेट कंपेयर टू अर्थ टेकन तो अर्थ के अकॉर्डिंग तीन सौ गुना ज़्यादा मास है इन द जुपिटर इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस अपने एक्सिस पे बड़ी तेजी से घूमता है जुपीटर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और इसके पास बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स है लगभग लगभग सैटेलाइट्स होने चाहिए इनके पास सिक्सटी सेवन सैटेलाइट्स सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन सैटेलाइट्स इसके पास हैं नेचुरल सेटेलाइट जिसे हम बोलते हैं इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी फोर ऑफ इट्स लार्ज मून्स और इसके चार बड़े मून्स हम आराम से देख पाएंगे टेलीस्कोप से जब भी इसको ऑब्जर्व करेंगे तो नाव यू आर फेमिलर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कार्ड द इक्विटोरियल प्लेन जैसा कि फिगर सेवेंटीन पॉइंट ट्वेंटी वन में दिखाया गया है द प्लन इन विच द अर्थ रिवोल्व राउंड द सन इज कार्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ दीज टू प्लेन्स आर इनक्लाइं टू ई अदर एट द एंगल ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इनक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन ऐट एन एंगल ऑफ सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री मीन्स एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है वो अपने मेन जो पोल होते हैं वर्टिकली अपवर्ड तो वो थोड़ी सी क्या है झुकी हुई है और उसका जो एंगल बनता है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री एंगल बनता है और ये टिल्ट ही रहती है अर्थ रोटेट सोन ए टिल्ट एक्सिस टिल्ट एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करती है नाउ ई हैव एन आइडिया इफ यू टेक ए लार्ज बाल विच कैन अकोमोडेट अबाउट थर्टीन हंड्रेड पीस देन द बाल विल रीप्रजेंट जुपीटर एंड वन पी विल रिप्रजेंट द अर्थ मीन्स एक इतनी बड़ी बाल ले लें ले आप कि उसके अंदर तेरह सौ मटर के दाने आ जाए तो इसमें क्या है बड़ी बाल है वो जुपीटर का जो जु, जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगी और जो छोटे छोटे मटर के दाने हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे सो नाउ नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड जुपिटर इज ए सैचुरन विच अपीयर्स येलोइस इन कलर वट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इट्स ब्यूटिफुल रिंग सेचुरन जस्ट जुपिटर के पीछे होता है और इसका थोड़ा सा येलो इस कलर होता है पीला हल्का पीला कलर रहता है इसका और ये सभी से अलग इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल रिंग रहती है बनी हुई डेज रिंग आर नॉट विजिबल विद द नेगडाई नंगी आंखों से ये दिखाई नहीं देती यू कैन ऑब्जर्व दैम विद ए स्माल टेलीस्कोप आल्सो हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट इसके भी बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं लगभग 62 अप्रोक्स 62 टू आर प्रेजेंट अराउंड इट सॉरी जुपिटर के बारे में बेसिक्स बताना भूल गया मैं आपको तो अब मैं बता रहा हूं डायमीटर ऑफ जुपिटर इज वन लैक फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर यानी कि एक लाख बयालीस हजार आठ सौ किलोमीटर का इसका डायमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम सन सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट इंटू टेन रेज द पावर सिक्स किलोमीटर एंड ये अपना जो एक चक्कर है सन के चारों तरफ इलेवन सही थ्री बाई फोर ईयर्स में पूरा करता है मीन्स अर्थ के ग्यारह साल और थ्री बाई फोर ईयर्स मिला के इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है इतनी दूरी पर है ये नाउ नेक्स्ट वन सेचुरन के बारे में जो बेसिक्स हैं डायमीटर ऑफ द प्लेनेट इसका जो डायमीटर है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर मींस ये भी ज़्यादा छोटा नहीं है अच्छा बड़ा खासा प्लेनेट है और इसकी जो सन से दूरी है वो है वन हन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन इंटू टेन रिदवार सिक्स किलोमीटर और ये अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है सन के चारों तरफ ट्वेंटी नाइन एंड हाफ ईयर मीन्स साढ़े उनतीस सालों में एक चक्कर पूरा कर लेता है सन का नेक्स्ट और इसके जो मैं बताई चुका हूं आपको सैटेलाइट्स हैं सिक्सटी टू अप्रोक्स सिक्सटी टू सेटेलाइट नेक्स्ट वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सैचुर इज दैट इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स बहुत कम डेंस है ये इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर वाटर से भी कम डेंसिटी मीन्स ये वाटर पर तैर सकता है इतना हल्का प्लानिट है ना हो नेक्स्ट है यूरेनस यूरेनस एंड नैपचून के बारे में बताएंगे आपको दीज आर दउटर मोस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप लाइक वीनस यूरेनस आल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वीनस की तरह यह भी क्या है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है बाकी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्ट रोटेशनल एक्सिस और ये बहुत ज़्यादा टिल्ट रोटेशनल एक्सिस है लगभग 90 डिग्री करीब सो यूरेनस के बारे में थोड़ा बेसिक्स बता दूँ आपको डायमीटर ऑफ प्लानेट डायमीटर ऑफ यूरेनस इज़ फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर इसका डायमीटर है और सन से जो दूरी है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी इंटू टेन पावर सिक्स किलोमीटर और ये अपना एक रेवोल्यूशन एक चक्कर पूरा करता है सन के चारों तरफ एट्टी फोर ईयर्स में चौरासी सालों में एक चक्कर पूरा करता है ये एंड नंबर ऑफ सेटेलाइट्स ऑफ द यूरेनस इज अप्रोक्स ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट इसके इसके चारों तरफ घूमते हैं नेक्स्ट के बारे में अभी इसी में पढ़ेंगे हम एज एन रिजल्ट एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स मरकरी विनस अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द आउटर फोर प्लैनेट्स दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स मीन्स जो पहले बोले गए वो इनर प्लान प्लानट्स में आते हैं जो बाद में है दैट वन इज द आउटर प्लैनेट्स द इनर प्लानट्स हैव वेरी फ्यू मूनस द प्लानिट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स मार्स के पास जो ऑर्बिट है उससे बाहर है सॉरी मार्स का जो ऑर्बिट है उससे बाहर है दैट मीन इज नेमली जुपीटर सेटोरन यूरेनस एंड नैपचून आर मच फारदर ऑफ फारदर ऑफ़ देन द इनर प्लानिट्स दे आर कॉल्ड द आउटर प्लानिट्स ये बहुत दूर हैं बजाय इनर प्लैनेट्स के सन से तो इसे हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड दैम दे आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मूनस और जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं इनके मूनस uh, भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन काउंटिंग लास्ट नेपच्चून के बारे में मैं आपको बता दूँ नेपच्चून की जो बेसिक्स रहेंगी दैट वन इज डायमीटर ऑफ नेपचून इज फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर इन दावर सिक्स किलोमीटर सबसे दूर है ये और इसका जो एक रेवल्यूशन है सन के अराउंड एक चक्कर जो सन के अराउंड इसका लगता है वो लगता है वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ईयर यानी कि एक सौ पैंसठ सालों में नेपचून अपना एक चक्कर पूरा करता है सन के अराउंड नेक्स्ट वन इसके जो सेटेलाइट्स हैं नेचुरल सेटेलाइट्स हैं या मून्स बोल सकते हैं हम इसके दैट वन इज अप्रोक्स फोर्टीन मून्स आर दे आर सो नेक्स्ट वन इज सेवनटीन पॉइंट फाइव सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम कुछ इनके अलावा कुछ और मेम्बर्स भी सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं देयर आर सम अदर्स बॉडीज विच रिवोल्व अराउंड द सन दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम लेट एस लर्न अबाउट सम ऑफ दैम इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से इनर प्लैनिट आउटर प्लैनिट नाउ फर्स्ट वन इज एस्ट्रोय देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जूपिटर दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाई द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉय कैन ओनली बी सीन थ्रो लार्ज टेलीस्कोप इनके बारे में बोला गया है यहाँ पर दीज आर द एस्ट्रॉयड्स देख रहे हैं आप लोग एस्ट्रॉयड लिखा भी हुआ है यहाँ पर दीज आर द एस्ट्रॉयड्स आफ्टर दार्स और बिफोर द जुपिटर दीज आर द एस्ट्रोय इनको लार्ज टेलीस्कोप से देखा जा सकता है नेक्स्ट कॉमेट्स कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम देर रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट हावर देअर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजली वेरी लॉन्ग ए कॉमेट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हैड विद ए लॉन्ग टेल द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचिज द सन द टेल ऑफ़ ए कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन यस कॉमेट्स कॉमेट्स क्या होते हैं इन मीन्स हम इनको नॉर्मल वे से पुछल तारा बोल देते हैं अपनी uh, आम सी भाषा में बट एक्चुअल में वो इसके पूँछ जो होती है गैसिज uh, ही रहती हैं जो इसके साथ साथ इसके अट्रैक्शन के कारण इसके पीछे पीछे चलती हैं और वो सनलाइट से चमकती भी हैं तो इस प्रकार से क्या है और कॉमेट एक ऐसा आ, ऐसी बॉडी है ब्राइट बॉडी है जो कि सन के चारों तरफ बड़े ही इलेक्टिकल वे से घूमती है और इसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का नेक्स्ट इस प्रकार से आप देख सकते हैं दिस इज द कॉमेट फरेंट पोजिशन ऑफ ए कॉमेट कॉमेट के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन आप देख सकते हैं दीज आर द कॉमेट्स ये क्या हाईली इलेक्ट्रिकल पाथ है और इसकी जो पूछ है हमेशा सन से दूसरी साइड में रहती है सन की तरफ कभी नहीं होगी ये दूसरी साइड में रहती है नेक्स्ट मैनी कॉमेट्स आर नॉन टू अपीयर पीरियडिकली वन सच कॉमेट इज हेलीज कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी सेवेंटी सिक्स ईयर्स छिहत्तर सालों के बाद देखा जाता है इट वॉज़ लास्ट सीन इन नाइनटीन एटी सिक्स कैन यू टेल वेन हैलीज कॉमेट विल विजिबल अगेन कब देखा जाएगा तो नेक्स्ट 86 में नेट 76 सिक्स को बढ़ा देना तो उसके बाद वो फिर दोबारा से हमें दिखाई देगा नेक्स्ट सुपरस्टिशियंस अबाउट द कॉमेट्स कॉमेट्स के बारे में अंधविश्वास सम पीपल्स थिंक्स दैट कॉमेंट्स आर messengers ऑफ डिज़ास्टर्स सच एज वार एपेडिक एंड फ्लड्स बट दीज आर आल मिथ्स एंड सुपरस्टिशियंस Appearance ऑफ कॉमेंट इज ए नेचुरल फिनोमिना वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट मीन्स हमारे समाज के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं comet के लेके कि जब भी comet आता है तो ये साथ में अपने डिजास्टर्स लेके आता है मीन्स तबाही लेके आता है जैसे युद्ध की तबाही या कोई दूसरा खतरा हलचल होना पृथ्वी में अर्थक्विक टाइप कुछ आना या फिर फ्लड सुनामी टाइप कोई चीज़ आना ये सब बातें एक कल्पना है समाज की गलत धारणा है समाज की ऐसा कोई रीज़न नहीं है ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके द्वारा हमें ये दिखाई देता है नेचुरल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ये दिखाई देता है इसे डरने की जरूरत नहीं है नाउ नेक्स्ट वन इज मिट्योर्स एंड मिट्योराइट एट नाइट वेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर यू मे समाइम सी ब्राइट स्टार्क्स ऑफ लाइट इन द स्काई दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स ऑल दो दे आर नॉट स्टार दे आर कॉल्ड मिट्योर्स मीन्स हम जब भी कभी रात को समय लगता है हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ चमकता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक तो उन्हें हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स बट एक्चुअल में स्टार्स नहीं हो सकते वो लेकिन एक मिट्योर्स हो सकता है जो इन्वायरमेंट यानी कि एटमोसफेयर के अंदर हवा के फ्रिक्शन फोर्स के कारण जल उठता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है दैट वन इज कार्ड मिट्योर ए मिट्योर इज इज यूजली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर एट दैट टाइम इट हैज ए वेरी हाई स्पीड द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमोस्फेयर हीट्स अप इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली दैट इज वाई द ब्राइट स्टार्क लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम मीन्स ये जब होता है कि बहुत छोटा सा कोई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाता है बाहर से और वह अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर फ्रिक्शन फोर्स के कारण एटमोस्फेयर के गर्म होकर हवा बन के उड़ जाता है इवेपोरेट हो जाता है क्विकली सो so, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है आता हुआ स्टार्क्स ऑफ मिट्योर सम मिट्योर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर द दे देपोरेट कंप्लीटली मीन्स कुछ मेट्योर्स थोड़े से बड़े होते हैं लार्ज साइज के होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आकर एट अर्थ तक पहुंच जाते हैं द बॉडी दैट रीचिज द अर्थ इज कॉल्ड मेट्योरॉइड्स ऐसी बॉडीज को हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं मीटेरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मेटीरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्मड मीटेरॉइड्स हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हमारा सोलर सिस्टम किस मेटीरियल से बना है मीटर सावर्स। वेन द अर्थ क्रॉसिस द टेल ऑफ ए कॉमेट स्वम्प ऑफ़ मेट्योर्स आर सीन बहुत सारे मिट्योर्स दिखाई देते हैं दीज आर नॉन एज मिट्योर सावर्स सो मिट्योर सावर्स अक्कर सेट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर यू कैन फाइंड दैट फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट इंटरनेट से या साइंटिफिक मैगजीन से आप इसका टाइम पता कर सकते हैं कि कब इनकी बौछार होती है और कब ये हमारे पास से जाते हैं निकल के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे हम नेचुरल सैटेलाइट्स मून हम जानते हैं और सभी प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में हम जानते हैं क्या होते हैं कि प्लेनेट के चारों तरफ लगाने वाली हैवनली बॉडीज चक्कर लगाती हैं दीज आर कार्ड सेटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट्स नाउ कुछ मैन मेड होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको प्लैनेट्स uh, के चारों तरफ घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटिंग कर दिया जाता है उसका दैट वन इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यू मस्ट हैव हियर दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं आपने सुना होगा यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट किस प्रकार से अलग होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ अर्थ से छोड़े जाते हैं दे रिवोल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन अर्थ नेचुरल सेटेलाइट नैचुरल सेटेलाइट मून से भी ज़्यादा नज़दीक अर्थ के चारों तरफ ये घूमते हैं चक्कर लगाते हैं इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च सैवरल्स आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्या भटा वाज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट आर्या भटा इज ए ग्रेट साइंटिस्ट उनकी याद में एक आर्या नाम का सैटेलाइट सबसे पहले बनाया गया था सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट आईआरएस कल्पना वन ई डी यूएस ए टी एटसेट्रा फिगर सेवेंटीन पॉइंट ट्वेंटी एट में दिया भी गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव सेटेलाइट पार्ट पार्टिकल्स पार्टिकल एप्लाइंसिस दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स दे आर आल्सो यूजड फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग आई वांट टू टेल यू दैट बाई रिमोट सेंसिंग वी मीन कोलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस कुछ दूरी से हम लोग इंफॉर्मेश uh, कोलेक्ट कर लेते हैं मीन्स उस सेटेलाइट्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं अबाउट द अर्थ्स वेदर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अर्थ के अंदर और बहुत कुछ है इसके चारों तरफ घूम के बहुत कुछ बताता है हमें सेटेलाइट उसकी पिक्चर्स लेता है दीज आर द रिमोट सेंसिंग बोला जाता है इस चीज़ को दिस इज़ द फिगर सेवेंटीन पॉइंट टू एट सम इंडियन सेटेलाइट्स नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर second parts also we have completed now thanks for watching please like share and subscribe my Loin heart keen learner classes okay